हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते की बहुत ही शानदार रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब बिना कोई देर के इस डिलीशियस सी लौकी के कोफ्ते की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 400 ग्राम लौकी। आप 400 से 500 ग्राम लौकी ले सकते हैं, जितनी आपको चाहिए। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, एक छोटा सा प्याज, एक हरी मिर्च, ये हम कोफ्ते के लिए ले रहे हैं। सबसे पहले हम लौकी को पीलर की हेल्प से पील कर लेंगे, मतलब इसे छील लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको सबसे पहले लौकी को अच्छे से छील लेना है। मैंने अभी एक बार इस लौकी को धो लिया है, उसके बाद मैं इसे पील कर रही हूँ। देखिए, बहुत ही इजीली लौकी छीला जाती है, बहुत ही आसान होता है लौकी को छीलना। देखिए कितने अच्छे से, कितनी इजीली ये छिला रही है। बस इसी तरह से हम लौकी को छील लेंगे। ये देखिए, मैंने लौकी को छील लिया है। आप चाहे तो इस वक्त लौकी को धो सकते हैं दोबारा, उसके बाद आप इसे नहीं धो सकते। सबसे पहले मैंने लौकी को दो पार्ट में कट कर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मशीन ली है लौकी को ग्रेट करने के लिए। आपको लौकी को या तो सबसे छोटे वाले छेद में ग्रेट करना है या फिर मीडियम साइज़ वाले ग्रेटर में। आप सबसे बड़ी साइज़ वाले छेद में आप इसे ग्रेट ना करें, वरना आपके कोफ्ते जो है वो अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए, मैंने इसे मीडियम साइज़ वाले ग्रेटर में ग्रेट किया है, मीडियम साइज़ वाले छेद में, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, मैंने सारी लौकी को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर का पानी जो है वो बहुत ही अच्छे से निचोड़ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पोर्शन ऐसे लौकी का लेंगे और दोनों हाथ से बहुत ही अच्छे से टाइटली प्रेस करते हुए इसका सारा पानी जो है वो निचोड़ लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमें इसका सारा पानी निकाल लेना है। लौकी के अंदर बहुत सारा पानी होता है, इसकी वजह से आपके कोफ्ते बिगड़ सकते हैं, इसलिए इसका पानी बहुत ही अच्छे से पहले निचोड़ लें। ये देखिए, मैंने इस तरह से लौकी का पानी जो है वो निचोड़ लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके आप सारी लौकी का पानी अच्छे से निचोड़ लें। ये देखिए, मैंने सारी लौकी को अच्छे से निचोड़ लिया है। आप चाहें तो इस पानी को फेंके ना, इसको आप ग्रेवी के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च और जो लहसुन लिया था, उसको थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इन सबको थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा ग्राइंड किया। आप चाहें तो इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट कर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्रेट करके डालना पसंद करूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैंने इसमें ऐड किया आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, एक तिहाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को आपको अच्छे से हाथों से क्रश करते हुए डालना है, ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छे से आ सके। अब इसमें अंदर ऐड करेंगे ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बेसन। अभी हम एक साथ सारा बेसन नहीं डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसमें बेसन ऐड करते जाएंगे। फिलहाल मैंने इसके अंदर 2 चम्मच बेसन लिया है और इन सब मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो ही आप इसमें और बेसन ऐड करें, अदरवाइज़ नहीं। अब इसमें हमें एक बूंद भी पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लौकी के अंदर पहले से ही पानी होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन हमने बहुत सारा पानी निचोड़ लिया है। लेकिन अभी भी इसमें इतना मॉइस्चर है कि हम इसके कोफ्ते आसानी से बना सकते हैं बिना एक भी बूंद पानी का यूज़ किए अलग से। अभी मुझे ये थोड़ा सा लिक्विड सा लग रहा है, थोड़ा ढीला ढीला सा लग रहा है, इसके अंदर मैं 1 चम्मच बेसन और ऐड करूँगी। ये देखिए, अब हम इसे फिर से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेसन का यूज़ नहीं करना होता है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम सबसे पहले कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे हमें कोफ्ते बना लेने हैं बिल्कुल, या तो आप मीडियम साइज़ के बनाएं या फिर छोटे बड़े ना बनाएं, ताकि मीडियम या छोटे साइज़ के बनाएंगे तो कोफ्ते आप बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक सकेंगे। बस इस तरह से छोटा छोटा सा पोर्शन लेना है और छोटी छोटी सी बोल बनाकर आपको रेडी कर लेनी है। इस तरह से उंगलियों को, हाथों को ऐसे घुमाते हुए जाना है, बहुत ही आसानी से आपकी बॉल्स बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली है। 400 ग्राम लौकी से ये 8 मीडियम साइज़ की बॉल बनकर बिल्कुल रेडी हुई है। अब हमारा ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है जब तक हम लौकी के जो बॉल्स बना रहे थे।
अब हमने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है और कोफ्ते डालते वक्त हम गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम रखेंगे। अब बिल्कुल आहिस्ता से हल्के हाथ से हमें कोफ्ते को डालना है। ये देखिए बहुत ही ध्यान से आपको कोफ्ते को डालना है। एक एक करके हम सारे कोफ्ते को इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए हैं और आप गीले गीले कोफ्तों को एकाएक पलटे ना, हल्का सा इनका कलर एक तरफ से सुनहरा होने लगे उसके बाद ही आप इसे अलट पलट करें। डालते से आप इसे अलट पलट ना करें। मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए आप इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन आने दें। अलट पलट करते हुए जाएँ और मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से इसे पका लें ताकि अंदर तक भी ये बहुत अच्छे से पक सके और बाहर से इसका कलर थोड़ा सा डार्कनेस में आ जाए तब तक इसे पकाएं। आप देख सकते हैं हमारे कोफ्तों का कलर बहुत ही प्यारा आ गया है। बहुत ही सुंदर से हमारे कोफ्ते लग रहे हैं। बस हम इसे एक स्ट्रेनर के अंदर निकाल लेंगे। या तो आप इसको इसी जारे के अंदर ऐसे निकाल लें और नीचे एक प्लेट रख दें या फिर किसी स्ट्रेनर के अंदर जाली वाले छेद वाले बर्तन के अंदर आप इसे रख दें ताकि आपके कोफ्ते थोड़े लंबे समय तक क्रिस्पी रहें। ये देखिए अब मैंने ग्रेवी के लिए यहाँ पर लिए हैं 2 से 3 प्याज। यहाँ पे छोटे बड़े प्याज थे इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 प्याज लिए हैं। मीडियम साइज़ के आप 2 प्याज ले लें, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। अब सबसे पहले हम इनको रफली कट कर लेंगे। पहले जो हमने प्याज टमाटर और प्याज और लहसुन लिया था और हरी मिर्च वो हमने कोफ्तों के लिए लिया था, अब हमने ये ग्रेवी के लिए लिया है। ये देखिए मैंने सबको पहले रफली कट कर लिया है। अब उसी ग्राइंडर जार के अंदर सबसे पहले हम ये लहसुन और प्याज को दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट ना बनाएं आप इसका, क्योंकि ग्रेवी का टेक्सचर थोड़ा थिक सा होना चाहिए। बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे तो वो वाली बात नहीं रहेगी। ये देखिए मैंने इसका थोड़ा मोटा मोटा सा दरदरा सा पेस्ट बनाया है। थोड़ा रफली ही मैंने इसको ग्राइंड किया है। अब उसी ग्राइंडर जार के अंदर हम टमाटर और मिर्च का फाइन पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्याज और लहसुन का थोड़ा दरदरा सा मोटा मोटा सा पेस्ट बनाया है, मोटा सा इसे ग्राइंड किया है, इसलिए अब हम टमाटर और हरी मिर्च को बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। अब मैंने यहाँ पर लिया है खड़ा मसाला, 1 तेजपान का पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 5 से 6 साबुत काली मिर्च, 1 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे ऑयल। यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मैं ऑयल ले रही हूँ जो कि छोटे 5 से 6 चम्मच के करीब ऑयल है। ग्रेवी वाली सब्जियों में थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही पड़ता है। अब जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये साबुत खड़े मसाले। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच हींग। अब इन मसालों को थोड़ा सा चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज। ये प्याज का जो हमने दरदरा सा पेस्ट बनाकर रखा था उसे हम ऐड कर देंगे और इसे कंटिन्यू मिक्स करते जाएंगे और हल्का सा गोल्डन सा सुनहरा कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है आपको। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाले। इस टाइम पर आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें जब आप मसाले ऐड करें। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप बेसिक मसाले ऐड करते हैं उस टाइम पर आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना होता है, मीडियम पर भी नहीं रखना होता है। कंटिन्यूसली इसे चलाते जाएं कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी की थिकनेस के लिए 1 चम्मच बेसन। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन आप इसे हो सके तो ज़रूर डालें। इससे आपकी ग्रेवी का टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए 1 मिनट तक पकाना है। आपके बेसन में थोड़े से बबल्स दिखने लगेंगे बेसन के अंदर, मसाले के अंदर। उसके बाद आप इसमें ऐड कर दें ये टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी, ये फाइन पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था वो। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए जाएंगे, कंटिन्यूसली चलाते हुए रहना है अभी आपको इसे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस टाइम पर गरम मसाला ऐड कर सकते हैं या आप चाहें तो बाद में ऐड करें। मैं इस टाइम पर ऐड कर रही हूँ। 1/2 चम्मच के करीब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। आप गरम मसाले को जब आपका मसाला पक जाता है उसके बाद भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इस ग्राइंडर जार के अंदर हम आधे से एक कप के करीब पानी ऐड करेंगे।
ये देखिए मैंने इसके अंदर आधे से पौन के करीब पानी लिया है और इस तरह से इस ग्रेवी में डाल देंगे और एक बार इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करते हुए इसका ढक्कन लगाकर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे मसाले से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट बाद हमें मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना होता है हमेशा। आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से पक चुका है, कितना प्यारा कलर आया है हमारे मसाले का। मसाले को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत अच्छे से पक चुका है और इससे ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। इसमें 1.5 गिलास पानी आराम से लगेगा, आप चाहें तो इसके अंदर 1 गिलास और थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब इसके अंदर हम कोफ्ते डालेंगे तब ये और भी ज़्यादा इसकी ग्रेवी थिक हो जाती है। अब मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और इसका ढक्कन लगाकर इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि हमारा ग्रेवी जो है थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए और इसमें बहुत ही अच्छे से उबाल ना आ जाए। ये देखिए हमारी ग्रेवी का टेक्सचर, ये पहले से काफ़ी थिक हो गई है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कोफ्ते, क्योंकि हमें कोफ्ते डालने के बाद भी 5 मिनट और पकाना होगा। हमें कोफ्तों को ग्रेवी के अंदर बहुत ही हल्के हाथ से डालना है और कोफ्ते डालने के बाद मुश्किल से 3 से 4 मिनट या फिर हाईएस्ट 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना होगा। बस इस तरह से आप ग्रेवी को कोफ्तों के ऊपर डाल दें और इसका ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने दें लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए अभी 3 से 4 मिनट ही हुए हैं, इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ठंडे होने के बाद हमारी ग्रेवी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें पहले से ही। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और हम गर्मा गर्म लौकी के कोफ्ते की सब्जी को सर्व करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। लौकी के कोफ्ते बहुत ही शानदार बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी कैसी लगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोग के लिए लाती रहूँगी। अब बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।